ओ माय गॉड, व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम यंग इंडिया, वी इंडिया, इंडिया के बच्चे, क्या बच्चे है मुझे तो कहते हुए इस बात पे हंसी आ रही है। यंग इंडिया सुमन गिल, मतलब वो सुमन गिल, चलो सुमन गिल का तो हमें पता है, उसके गिल का रतुराज गायकोड। आई एम जस्ट सेइंग इट्स वेरी पेनफुल बट इट इज वेरी लॉजिकल। वो 10 साल सिस्टम बिल्ड किया उन्होंने अंडर 16, अंडर 19। ऋतुराज गायकवाड़ ने भी कमाल खेला, ऋतुराज गायकवाड़ ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, 28 गेंदों पे 49 रन्स, 3 छक्के, 4 चौके, कमाल किया उन्होंने भी। उनके पास ना चॉइसेस बहुत ज्यादा है, जो भी बाहर होगा। अब आप अभी इन्होंने सवाल किया, शुभमन गिल नहीं है हाँ। तो जयसवाल आ गया, उसने इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरियां भी की, आईपीएल में भी सेंचुरी की। अब आप कहेंगे कि रिंकू सिंह नहीं है, तो दुबे का रिकॉर्ड देख लें अभी आईपीएल के अंदर। सूर्य कुमार यादव इंटरनेशनली नंबर वन पोजीशन पर है T20 में। बेसिकली उनके पास चॉइसेस इतनी ज्यादा है कि जो बाहर होगा लगता है यार ये भी बाहर है, वो उसी तरह की तकरीबन एक टीम और बन जाती है, इतने चॉइसेस है ज्यादा। नो डाउट इस टाइम आईपीएल की वजह से उनके पास इतना बड़ा बेंच बैठा हुआ है। एक तो भारत की टीम अब्दुल गफार स्ट्रॉन्ग ज्यादा लग रही है, दूसरी फिर आप उनको गिल जस्ट, और उनकी बैटिंग बड़ी तगड़ी है। गिल की मैं तारीफ जरूर करूंगा, देखिए फ्यूचर स्टार ना, कॉन्फिडेंट सर सबसे। और आप कहां खेल रहे हैं, एक इतनी बड़ी टीम में, और उसके बाद आप उसमें हीरो बन के जाते हो, और मतलब आई मीन उस कॉन्फिडेंस की इंतहा है, एक कॉन्फिडेंस की इंतहा होती है ना, वो फेस से पता चलती है। और फिर ओपन करने जा रहे हैं आप, तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि इसकी एक बड़ी क्लास है जो आगे जाके कईयों को मैं सर रुला भी सकता। गिल की इनिंग्स के बारे से जानना चाहेंगे, आपने शुरू में कहा कि एक ऐसा लेजेंड है जो अभी एक उस तरफ जाएगा रोल मॉडल बनने के लिए जो दुनिया देखेगी, और इसने प्रूव किया हर इनिंग्स में वो बेहतरीन से बेहतरीन होता चला जा रहा है। ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें, या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं, और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परमेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी अलोंग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे, और मुश्किल पिच पे रन्स करने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईएनए न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों भारत ने एक और जीत हासिल कर लिया, और ये जीत जो है वो तीसरे T20 मैच में हुआ है। और दोस्तों जिस तरीके से आज गिल ने हालांकि थोड़ी सी धीमी पारी करी, लेकिन टीम को संभाला, उसकी पाक मीडिया तारीफ कर रही है। और साथ साथ जो इंडिया की यंग टीम है, जो भारत लगातार अपनी यंग टीम को जो है वो छोटी टीमों के सामने भेजता है, उसके ऊपर भी पाकिस्तानी मीडिया उस पर तारीफ कर रही है। क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी छोटी टीम आती है तो भारत के यंग बच्चे जो हैं उनको भेज दिया जाता है, ताकि वो इंटरनेशनल मैच खेलें, और आगे चल के जब उनको बड़े मैच में शामिल किया जाए तो फिर उन पर जो है वो इतना परेशान ना रहे। तो कहीं ना कहीं इंडियन जो टीम है उसकी तो पाकिस्तानी मीडिया तारीफ कर ही रही है। साथ साथ जो इंडिया के सेलेक्टर्स हैं, जो इंडिया की मैनेजमेंट है, शुरू से लेकर अंत तक जैसे प्लेयरों को बनाया जाता है, उसके ऊपर भी पाकिस्तानी मीडिया जमकर तारीफ कर रही है। और दोस्तों जिस तरीके से हमारी यंग टीम, आपने देखा वर्ल्ड कप के जो टीम थी उसमें से एक भी बच्चा जो है वो यहाँ पे नहीं खेल रहा है। और यही पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि भारत से सीखो कि कैसे नई टीम बनाई जाती है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि सभी प्लेयर छोटी टीम के सामने भी वही खेलते हैं और बड़ी टीम के सामने भी वही खेलते हैं। अगर बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम के ज़्यादातर रन अगर आप देखें तो जिम्बाब्वे के खिलाफ ही है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मीडिया जो है वो कंपेरिजन कर रही है इंडियन टीम, और साथ ही साथ तारीफ भी कर रही है कि जो इंडिया की मैनेजमेंट है वो कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो चलिए भी हम चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। देखिए हमेशा मेरे लिए सबसे जो हैरानगी की बात है ना, वो गिल साहब की है, शुभमन गिल। देखिए वो अपकमिंग स्टार था, उन्होंने लास्ट जो एशिया कप में जो बाकी उसकी परफॉर्मेंस थी उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसने लोहा मनवाया कि मैं भी आफ्टर विराट कोहली, जैसे इंडिया के तमाम मीडिया जो भी कहता था आफ्टर विराट कोहली गिल साहब जो है उनकी जगह लेंगे, मुझे थोड़ा उस पे है। बाकी अगर आप देख रहे हैं इनमें जो आया, आपके ख्याल में झटका लगा है, ये झटका है आप सब देखिए, मैं एज ए क्रिकेटर जो जैसे आप उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, जब आपने उसके 5-स्टार होटल की बुकिंग कराई हुई है, फिर आज आप उसको थर्ड क्लास होटल में लेके आ रहे हैं, वो तो सोचेंगे ना, मैं भी सोचूंगा कि यार एक स्टैंडर्ड आपने दे दीजिए, विराट कोहली नेक्स्ट आ रहे हैं। तैयारी शुरू हो चुकी है, ठीक, ये सीरीज जो है ये 2026 की तैयारी है। आपके 12 प्लेयर्स तो पिछले वर्ल्ड कप के मौजूद है, आप 12 में से अगर आप कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आप 9 प्लेयर्स भी या 8 या 9 प्लेयर्स आप उसमें से रिटेन करते हैं अगले 2 साल के लिए, आप आइडेंटिफाई नैरो डाउन करते हैं, तो बाकी 3 या 4 उनका बैकअप हो गए, और फिर जो वीक स्पॉट्स रह गई उसके लिए 18 प्लेयर भेजती है। सीधी सीधी फिलोसफी आपको समझ नजर आती है कि यार तुम कहीं नहीं जा रहे, तुम हमारे वर्ल्ड कप विनिंग, हमारे जो प्रिफर्ड प्लेयर्स हो तुम लोग, ये अब हम हमारा बैकअप तैयार कर रहे हैं, और इस तरह से 20-25 लोगों का ऐसा पूल तैयार हो रहा है। वो एज यूजुअल जारी है, इस टाइम 182 रन भारतीय टीम ने बोर्ड पे लगाया है,
लेकिन अभिषेक शर्मा जिसको फैंस देखने के लिए बड़े बेताब थे, फैंस चाह रहे थे कि अभिषेक शर्मा आए और हम उसकी ताबड़तोड़ बैटिंग देखें, आज उस तरह से नहीं हुआ। नंबर तीन पे उसको भेजा गया। कहीं ना कहीं जायसवाल और शुभमन गिल मानना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा स्लो खेल गए हैं, बहुत ढीला ढीला खेल गए, बहुत ज्यादा स्लो खेले हैं। और वहां से जैसे एक टाइम पे लग रहा था कि शायद मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा एक ज्यादा एक बेहतर ओपनिंग पार्टनरशिप हो सकते थे, लेकिन उनको नहीं आगे भेजा गया, उनको नंबर तीन पे रखा गया। ऋतुराज गायकवाड़ को नंबर चार पे भेजा गया। अलबत्ता ऋतुराज गायकवाड़ ने भी कमाल खेला, ऋतुराज गायकवाड़ ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई। 28 गेंदों पे 49 रन्स, 3 छक्के 4 चौके, कमाल किया उन्होंने भी। और यंग इंडिया एक बार फिर एक अच्छा स्कोर बोर्ड पे लगाने में कामयाब रही है, अच्छी क्रिकेट इंडियन टीम खेल रही है। शुभमन गिल ने 49 गेंदें खेली, 66 रन्स बनाए। जायसवाल मुझे लगता है काफी स्लो खेल गए, 27 गेंदें खेल गए 36 रन्स बनाने के लिए, लेकिन इंडिया का एक अच्छा स्कोर बन चुका है। और आईपीएल का जो टैलेंट है वो ऐसा लग रहा है कि यंगस्टर्स जो इंडिया के वो भी जबरदस्त दिखा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सर्जरी का सिलसिला जारी है और खबर आ चुकी है कि वहाब रियाज और अब्दुल रजाक को सैक कर दिया गया, तो पाकिस्तान में तो खैर क्रिकेट नहीं हो रही है, यही चीजें चल रही हैं। लेकिन इंडियन टीम की अगर आप बात करो तो यहाँ पे क्रिकेट शानदार चल रही है और जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रही हैं। बिलखसूस अगर आज आप देखो, ऋतुराज गायकवाड़ लास्ट मैच में भी कमाल खेले थे, जबरदस्त खेले थे, आज भी नंबर चार पे भेजा गया, लेकिन बैटिंग कमाल की, 3 छक्के 4 चौके 28 गेंदों पे 49 रन की पारी खेली, जलवा नजर आया, एक शानदार परफॉर्मेंस की नजर आई कि वो कर दिखाने के मूड में है। और कमाल किया भाई ऋतुराज गायकवाड़ ने। ओवरऑल अगर आप देखो तो जो यंग इंडिया की लॉट है इसके अंदर आपको नजर आता है कि कुछ कर दिखाने की, T20 खेलने की, शानदार क्रिकेट खेलने की नजर आती है। काफी लोग लगे हुए हैं कि गिल बाबर एक जैसे है या गिल वर्सेस बाबर। देखो अगर आप एक और आपको बात एडमिट करनी पड़ेगी कि शुभमन गिल आता ना, वो गिल साहब की है। शुभमन गिल देखिए, वो अपकमिंग स्टार था, उन्होंने लास्ट जो एशिया कप में जो बाकी उसकी परफॉर्मेंस थी उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसने लोहा मनवाया कि मैं भी आफ्टर विराट कोहली, जैसे इंडिया के तमाम मीडिया जो भी कहता था आफ्टर विराट कोहली गिल साहब जो है उनकी जगह लेंगे, मुझे थोड़ा उस पे है। बाकी अगर आप देख रहे हैं इनमें जो आया, आपके ख्याल में झटका लगा है, ये झटका है आप देखिए, मैं एज ए क्रिकेटर जो जैसे आप उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, जब आपने उसके 5-स्टार होटल की बुकिंग कराई हुई है, फिर आज आप उसको थर्ड क्लास होटल में लेके आ रहे हैं, वो तो सोचेंगे ना, मैं भी सोचूंगा कि यार एक स्टैंडर्ड आपने दे दिया, विराट कोहली नेक्स्ट आ रहा है। तैयारी शुरू हो चुकी है, ठीक, ये सीरीज जो है ये 2026 की तैयारी है। आपके 12 प्लेयर्स तो पिछले वर्ल्ड कप के मौजूद है, आप 12 में से अगर आप कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आप 9 प्लेयर्स भी या 8 या 9 प्लेयर्स आप उसमें से रिटेन करते हैं अगले 2 साल के लिए, आप आइडेंटिफाई नैरो डाउन करते हैं, तो बाकी 3 या 4 उनका बैकअप हो गए, और फिर जो वीक स्पॉट्स रह गई उसके लिए 18 प्लेयर भेज दिए।